सारा जा चुकी है और हमारी भी हो गई है वापस जाने की तैयारी। और ये मामा जी इनके साथ जा रही मैं सुमाड़ी तक, और ये ला रहा है मेरे को, ये छोड़ रहा है मेरे को मेरे ससुराल तक। और मैं अभी मम्मी से बात ही कर रही थी कि वो छोड़ देगा कि नहीं, तो बाकी थोड़ा डर। कार्यक्रम हो चुके हैं, शादी संपूर्ण हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ नीचे, वहाँ पर गोदान हो रहा है, तो आपको भी लेके चलते। रिश्ता बदला और बदल।
पूछ रही है चार दीवारी, कहाँ खो गई वो किलकारी। सुनती थी जो ये हवेली, यहाँ मैं घर घर खेली। बस जाने की तैयारी, और ये रहे मामा जी, इनके साथ जा रही मैं सुमाड़ी तक। तो ये भी जा रहे बारात बना रहे हैं, ये बारात में जा रहे हैं और मैं घर जा रही हूँ। जैसे हुई है 11:30 होने को, मतलब हो गए है। और अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत तिलवाड़ा ठहरी थी मैं कल रात को, जहाँ की मैं शादी में गई हुई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, और बाइक से जा रहे हैं हम लोग। तो बाइक पे तिलवाड़ा से मैंने वैसे तुनेटा के रास्ते आना था घर, लेकिन शुभम आया हुआ था वहाँ, उसकी बाइक खराब हुई थी, उसकी नहीं है बट थोड़ा ले रखी है तब तक सीखने के लिए, बाकी ठीक है। उसने सही कराने के लिए दे रखी थी, तो उसने कहा मैं छोड़ देता हूँ तेरे को। तो अभी तक मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि कहीं गिर भी ना जाए, क्योंकि अभी नए नए में थोड़ा यही होता है, मुझे डर लग रहा है। बाकी उसका तो कॉन्फिडेंस के साथ चलाता है, और मुझे खुद ही डर लग रहा था। बाकी अभी हम लोग आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर थोड़ा धूप सेक रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है सुबह सुबह के टाइम पे। बाकी यहाँ पर पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छी सुनहरी धूप लगी हुई है सुबह से। और अब घर चलते हैं। बाकी शादी में जो कलियो वगैरह मिला था मुझे, तो बहुत अच्छा लगा। मैं जब पहली बार ध्यान बन के गई थी ना, तो आज दूसरी बार गई हूँ मैं, मतलब जब बुलाते हैं अपने ध्यान को, तो आज दूसरी बार गई थी मैं, मतलब जो कल की शादी में गई थी। बाकी कल की शादी आपने देख ही ली होगी, और आप घर की तरफ चलते हैं। और इधर बाकी ये है मेरा भाई शुभम, हेलो। और ये ला रहा है मेरे को, ये छोड़ रहा है मेरे को मेरे ससुराल तक। और मैं अभी मम्मी से बात ही कर रही थी कि वो छोड़ देगा कि नहीं, तो बाकी थोड़ा डर के साथ माँ ने भी हाँ बोल दिया था। इसका कॉल आ गया है, बाकी चलते हैं ससुराल की तरफ, और आपको चलते हैं। चलते हैं घर की तरफ थोड़ा धूप सेकने के बाद, है ना। और बाकी ये हमारा हीरो होंडा, thank you.
बाकी दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं अपने ससुराल और शुभम और मैं बहुत सेफ्टी से यहां पहुंच गए थे। मुझे सारे रास्ते यही डर लग रहा था कहीं ये कमी ना मेरे को गिरा ना दे, लेकिन नहीं गिरा। तो अभी चलते हैं घर की तरफ और यहां पर देखो नहीं देखो हमारे देवर जी लोग लगे हुए हैं यहां पे। किस काम पे लगे हो? रास्ते के काम पे। रास्ते दिहाड़ी मजदूरी है। बाकी घर पहुंचते ही हम अब लेते हैं खाने का आनंद, दाल और चावल। सुबह हम खाना खा के जाएगा सीधे घर और मुझे क्या बोलते हैं ड्यूटी आ गई है कि रस्सी और दरांती लेके आ बोल खेत में। बाकी दोस्तों खाना खाने के बाद मैं चली थोड़ा सा जंगल की ओर और यहाँ पर जो कच्ची लकड़ियाँ होती हैं आजकल उनको काटने का सीजन है, तो कच्ची लकड़ियाँ और थोड़ा बहुत घास निकाला था सासू जी ने, जिसको लेने थोड़ा मैं आई हूँ। मेरी सासू जी भी आ रखी हैं। हेलो। उन्होंने भी अपनी भारी लगा दी है और कच्ची लकड़ियाँ थोड़ा थोड़ा ले जाई जाती हैं, ज़्यादा नहीं, तो बारीक बारीक लकड़ियाँ ले जाते हैं हम लोग। और यहाँ से ऊपर की तरफ काटे हमने झाड़ियों के अंदर से, बहुत सारी झाड़ियाँ हो रखी है तो झाड़ियों को कम करने की कोशिश। बाकी लकड़ी लेके हम लोग घर पहुंच चुके हैं, अब पीते हैं चाय पानी और उसके बाद मिलते हैं।